और ये वही जगह है जहां नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, और यही वो रास्ता है जिस रास्ते से अंतिम समय में गांधी जी चले थे। देखिए उनके पैरों के निशान भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है, और ये वो जगह है जहाँ गांधी जी को गोली लगने के बाद सुलाया गया था, और यहाँ पे गांधी जी के अंतिम विदाई को चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में, और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गांधी स्मृति, जहाँ गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। तो मैं पहुँच चुका हूँ, और अंदर जो भी होगा मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो मैं आ चुका हूँ गेट पे, यहाँ देख सकते बोर्ड गांधी स्मृति का, और ये एंट्री गेट है। तो चलिए मैं अंदर चलता हूँ, और देखिए मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ, और ये सामने जो आपको दिख रहा है इसी के अंदर गांधी जी ने 144 दिन अपने अंतिम के 144 दिन गुजारे थे। यहाँ देख भी सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं पहले वहाँ चलता हूँ जहाँ गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। तो ये देख सकते हैं इसी रास्ते गांधी जी ने अपने अंतिम समय में मतलब चला था, इसी रास्ते पर उनके पैरों के निशान यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। तो चलिए मैं भी चप्पल उतारता हूँ और चलता हूँ ऊपर। और यही वो स्थान है जहाँ नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, और ये देख सकते हैं इस पे डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ है, यानी 30 जनवरी 1948 को शाम के 5:17 पे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, जो कि इस पे मेंशन किया गया है। और ये लास्ट वर्ड गांधी जी के जो थे हे राम, यानी अंतिम समय में गांधी जी ने इस वर्ड को बोला था, तो वो भी इस पे दर्शाया गया है। और ये ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड जहाँ महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा किया करते थे, और सामने गांधी जी जहाँ से बैठ के प्रार्थना सभा किया करते थे। फिलहाल अभी मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको, यहीं पे बैठ के महात्मा गांधी प्रार्थना सभा किया करते थे। यहाँ देख भी सकते हैं लिखा हुआ है द महात्मास प्रेयर स्पॉट, और इसके पीछे भी कुछ चित्र वगैरह बनाया गया है। तो चलिए मैं अभी अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ वो चित्र, देख सकते हैं आप यहाँ गांधी जी जहाँ बैठते थे उसके पीछे का ये दृश्य है। और यहाँ पे गांधी जी के चित्रों के माध्यम से और उनके परिवार वालों के चित्रों के माध्यम से उनके परिवार के बारे में कुछ बताया गया, गांधी जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। तो अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं गांधी जी जो चरखा चलाते थे उसको भी यहाँ दिखाया गया है। तो चलिए मैं अभी फटाफट चलता हूँ जहाँ गांधी जी ने 144 दिन अपने बिताए थे। तो यही वो जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे गांधी जी सोया करते थे, और ये वो जगह है जहाँ गांधी जी को गोली लगने के बाद यहाँ लिटाया गया था, यानी सुलाया गया था, जो उनका पार्थिव शरीर है यहीं ला के रखा गया था। और ये गांधी जी का मीटिंग हॉल है, गांधी जी ने यहीं पे बैठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल से अंतिम मीटिंग यहीं पे की थी। और यहाँ गांधी जी के छड़ी और मतलब उनके यूज़ किए गए कुछ चीज़ों को यहाँ संजो के रखा गया, उनका चश्मा, उनका जेब घड़ी। और यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि आप उस कमरे में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ गांधी जी ने अंतिम के 144 दिन बिताए थे। और ये गांधी जी का
चप्पल देख सकते हैं। और ये गांधी जी का वो फोटो जब गांधी जी की अंतिम यात्रा निकली थी यानी 31 जनवरी 1948 को। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जहां जिस वीडियो में मैंने गांधी जी के जहां राजघाट यानी जहां गांधी जी की समाधि है वो उसका वीडियो और गांधी नेशनल म्यूजियम जहां गांधी जी की सारी चीज़ों को दिखाया गया है यानी गांधी जी जो भी चीज़ें यूज़ करते थे यहां तक कि गांधी जी को लगने वाली गोली को भी वहां बड़े अच्छे से संजो के रखा गया। तो आप जाइए मेरे चैनल पर और वो वीडियो देखिए। और यहां देखिए कुछ चित्र के माध्यम से कुछ आंदोलनों को दिखाया गया है जो गांधी जी ने जो आंदोलन किया था। तो ये काफ़ी एक खूबसूरत दृश्य था मेरे लिए। यहाँ गांधी जी के बहुत सारे आंदोलनों को एक मतलब चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ देखिए जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था उसको भी यहाँ दिखाया गया है। इस हत्याकांड में हमारे देश के बहुत सारे लोगों को निर्ममता से हत्या कर दी गई थी जनरल डायर के द्वारा। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी के पिताजी का तबीयत ख़राब था तो उसका मतलब जायज़ा ले रहे हैं गांधी जी अपने पिताजी से। और यहाँ जब रंग भेद का जो हुआ था साउथ अफ्रीका में उस समय का वो चित्र था यानी गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया था। और यहाँ पे लोकमान्य तिलक के शमशान यात्रा में गांधी जी ने कहा था एक नर केसरी चल बसा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चित्र यहाँ मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है दिखाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था गांधी जी ने होली के समय यानी कपड़ों को जलाकर उनका विरोध किया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी जब जी की जब मृत्यु हुई थी उस समय का ये दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। तो काफ़ी खूबसूरती से यहाँ बनाया गया है दिखाया गया है। आप आइए देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ गफ्फार खान जी से कुछ मीटिंग चल रही है गांधी जी की। और ये सबसे भावुक क्षण है मैं देखा तो काफ़ी थोड़ा इमोशनली सही में बताऊँ तो भावुक हो गया क्योंकि ये अंतिम क्षण है जब गांधी जी को अंतिम विदाई दिया जा रहा था। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ दिख रही होगी और इससे भी कई ज़्यादा भीड़ होगी। तो एक चित्रों के माध्यम से मतलब दिखाने का प्रयास किया गया। और यहाँ एक लाइब्रेरी है यहाँ के आप गांधी जी के जीवन से रिलेटेड बहुत सारी बुकें मिल जाएंगी। और चलिए अब मैं बाहर चलता हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे पहले मैंने गांधी नेशनल म्यूजियम का भी वीडियो बना रखा है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा जहां गांधी जी की समाधि है यानी राजघाट में उसका भी वीडियो है तो आप वहाँ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए जोश के साथ। जय हिंद।